कि हमें फास्फोरस और पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है सोयाबीन के पौधे को अत्यधिक, तो उसके लिए भी हम माइक्रोब्स कल्चर का ट्रीट करते हैं। और सबसे लास्ट के अंदर जब आपको बोनी करनी है उसके एक दिन पहले या दो दिन पहले आप माइक्रोब कल्चर लगाएं। केमिकल से, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड से आप पहले भी एक महीने दो महीने पहले करके छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बायो कंट्रोल एजेंट हैं उसको आप सबसे लास्ट करें। और ये इंश्योर करें कि जो भी बायो कंट्रोल एजेंट से आप बीज उपचार करेंगे उसमें नमी बनी रहे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है राइजोबियम लें 5 ग्राम या PSB लें। राइजोबियम से आपको नाइट्रोजन मिलेगा और PSB से आपको फास्फोरस मिलेगा। आप चाहें तो इन दोनों को मिक्स करके बीज उपचार कर सकते हैं। इसके बाद बीज उपचार में जो मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज को अत्यधिक गीला ना करें। अगर बीज अत्यधिक गीला होगा तो उसका सीड कोट टूट जाएगा और जर्मिनेशन कम हो जाएगा। उसी प्रकार अनुशंसित बीज दर से ही करें। और सबसे पहले एक बीज आपके खेत के अंदर जो भी है, एक प्लास्टिक का या जैसा भी एक बड़ा सारा एरिया लेके उसके अंदर अपने हाथों से अच्छे से बीज उपचार करें। अगर मशीन अवेलेबल नहीं है, अगर मशीन है तो मशीन से बीज उपचार करें। कभी भी बीज को सीड ड्रिल में डाल के ऐसे ऊपर से छिड़कने से वह बीज उपचार अच्छी तरह से नहीं होगा। पूरा अच्छी तरह से सीड के प्रत्येक भाग को वो फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड, जो माइक्रोब्स कुछ भी हो, वो लगना चाहिए। इससे हम जितनी भी बीमारियां जैसे एंथ्राकनोज, चारकोल रोट, फ्रॉग आई लीफ स्पॉट, माइरोथीसियम लीफ स्पॉट, येलो मोजाइक वायरस, जितनी भी बीमारियां, इन सब से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। धन्यवाद।